Hello, Bachcha Party. Wish you a very good morning and welcome to MSG Institute. And we have been meeting today after a long time. So let's start lecture number 15 for class 12th mathematics. So, beta, resume karte hain previous lecture number 14 mein humne start kiya tha dvichar sankriya. So, ek bar let's take a quick revision for this dvichar sankriya ya fir dvi adhari sankriya. Beta, kya hoti hai ye do charo ke madhye lagaye jane wali sankriya ko kya bolte hain? द्विचर संक्रिया इसको किससे डिनोट करते हैं स्टार से ए स्टार बी यहाँ पे स्टार की वैल्यू कुछ भी हो सकती है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी ठीक है बेटा ओके तो यहाँ पे ए स्टार बी ए बी की बुआ है ए स्टार बी ए स्क्वायर बी ए स्टार बी बी ग्रेटर देन ए तो इस पे स्टार की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी ठीक है बेटा इससे हमने कुछ तरीके देखे थे तरीका नंबर वन आओ स्टार के औचित्य की जाँच करना स्टार के औचित्य की जाँच करना बेटा जो तरीका नंबर वन है ये एग्जाम के वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी हमें सीखना जरूरी है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये ठीक है तरीका नंबर वन जो औचित्य की जांच करना है वो एग्जाम में बहुत बहुत ही रेयर पूछा जाता है लेकिन जो क्रम विनिमय है साहचर्य है वो ऑफनली पूछे जाते हैं ठीक है बेटा जी क्लियर फिर हमने किया था तरीका नंबर टू क्रम विनिमय हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है जैसे क्रम विनिमय है साहचर्य तो हमने ये पढ़ा था बेटा क्रम विनिमय क्या होता है ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए क्रम विनिमय फिर आए थे हम तरीका नंबर थर्ड साहचर्य साहचर्य पे क्या था ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी फर्स्ट में फर्स्ट टू पे ब्रैकेट और सेकंड में लास्ट टू पे ब्रैकेट तो ये साहचर्य नियम है ये हमने लास्ट क्लासेज में भी पढ़े हुए हैं सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ में आप पढ़ते आ रहे हो अब यहाँ पे किस में लगाया है द्विचर संक्रिया में ये रूल्स यूज हो रहे हैं ठीक है बेटा तो हमने साहचर्य तक कंप्लीट कर लिया था आते हैं आज के लेक्चर पे जिसका नाम है लेक्चर नंबर
15 और लेक्चर नंबर 15 पे तो जो बेटा तीनों चीज़ें सीखी थी उन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बेटा आज का फर्स्ट ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी, ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी के लिए, तो हमने तीन तरीके सीखे हैं और तीनों पे प्रैक्टिस करते हैं। के लिए बेटा ये दे रखा है ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी, इसके लिए सबसे पहला तो स्टार का औचित्य है, स्टार का औचित्य, स्टार का औचित्य बताना है। सेकंड क्रम विनिमय की जांच, क्रम विनिमय की जांच, साहचर्य की जांच। ठीक है बेटा जी, तो चलिए तीनों तरीकों की जितनी भी मैंने आपको माउंटेन ड्यू पिलाई थी सबकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा हमें क्या इसके लिए ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, स्टार का औचित्य बताना है, क्रम विनिमय की जांच करनी है और साहचर्य की जांच करनी है। तो सबसे पहले औचित्य के बारे में देखते हैं। और बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन टू एन में, किसके लिए, एन टू एन में, एन टू एन मीन्स नेचुरल नंबर में, ए भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और बी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले औचित्य की जांच कर लेते हैं, स्टार का औचित्य देखते हैं, स्टार का औचित्य होगा या नहीं होगा। बेटा हमें क्या दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी। अब एक बात बताओ बेटा जी, मींस अगर ए भी नेचुरल नंबर है और बी भी नेचुरल नंबर है तो ए स्टार बी की जो वैल्यू आएगी वो ए अपॉन बी, वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलो देखते हैं बेटा, देखो ए अगर नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, तो क्या ए अपॉन बी भी नेचुरल नंबर होगा, ये होगा क्या, या ये भी नेचुरल नंबर होगा? नहीं बेटा, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो अगर हम ए की वैल्यू 3 रखें तो 3 नेचुरल नंबर है, बी की वैल्यू 4 रखें तो ये नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का मीन्स 3/4, ये 3/4 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। तो बेटा ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी, नेचुरल टू नेचुरल के लिए याद करना था, ए और बी तो नेचुरल, लेकिन ए अपॉन बी जो ए स्टार बी की वैल्यू है ए अपॉन बी, वो नेचुरल नहीं है, वो तो परिमेय संख्या आई है, फ्रैक्शन आई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे स्टार का औचित्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एन टू एन में ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी के लिए स्टार का औचित्य नहीं है। आई होप समझ गए होंगे आप। बेटा ए भी नेचुरल है और बी भी नेचुरल है, लेकिन ए अपॉन बी नेचुरल नहीं है, इसलिए ठीक है बेटा औचित्य नहीं है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं बेटा, अब किसकी जांच करेंगे, क्रम विनिमय की जांच। एक क्वेश्चन तो हो गया क्रम विनिमय की जांच, और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत इजी लगेंगे आपको, ठीक है, ऑटोमेटिकली 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो कि ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी, ओके नेचुरल नेचुरल, पर ये नेचुरल नहीं, ये तो फ्रैक्शन में आएगा। अब याद करते हैं क्रम विनिमय। बेटा क्रम विनिमय के लिए आपको क्या पता है, वी नो दैट, क्रम विनिमय के बारे में आप क्या जानते हो, क्रम विनिमय के बारे में हम ये जानते हैं ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होता है, ये होता है क्रम विनिमय। तो बेटा पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा बेटा, क्रम विनिमय हो जाएगा। तो ए स्टार बी, ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है, ए अपॉन बी, ये दिया हुआ है। अभी हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड तो बी स्टार ए। बेटा जब ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी है तो बी स्टार ए क्या होगा, बी अपॉन ए। देखना बेटा क्या ए अपॉन बी और बी अपॉन ए इक्वल है, क्या ए अपॉन बी और बी अपॉन ए इक्वल है, ए अपॉन बी और बी अपॉन ए कैसे इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों तो नॉट इक्वल है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। इसका मतलब है स्टार स्टार या फिर द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया, स्टार को ही तो द्विचर संक्रिया बोलती है, स्टार द्विचर संक्रिया क्रम विनिमय
क्योंकि बेटा इक्वल नहीं आए हैं तो पालन नहीं करेंगे, अगर इक्वल आते तो पालन करते, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है। ठीक है बेटा, फाइन। तो क्रम विनिमय की जांच हो गई। अब आते हैं तरीका नंबर थर्ड, साहचर्य की जांच। साहचर्य की जांच बेटा, साहचर्य के लिए क्या पता है आपको? कुछ जानते हो क्या आप? यू नो दैट एनीथिंग? यस, वी नो दैट, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम साहचर्य के लिए क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, और बेटा फर्स्ट में टू में ब्रैकेट, यहाँ पे लास्ट टू में ब्रैकेट, ये है साहचर्य के लिए। तो देखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो साहचर्य इक्वल हो जाएगा, अगर नहीं इक्वल हुई तो साहचर्य का भी पालन नहीं करेंगे। तो बेटा देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्टार बी, ये स्टार है ठीक है बेटा, ध्यान रखना स्टार स्टार सी। तो बेटा ए स्टार बी की वैल्यू क्या गिवन है? ए स्टार बी की वैल्यू क्या गिवन है? ए अपॉन बी, ए अपॉन बी आपको गिवन है। ए स्टार बी की वैल्यू कहाँ से गिवन है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखा था, ये रहा बेटा, ए स्टार बी इक्वल क्या दे रखा है? ए अपॉन बी। तो हम यहाँ से ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी। ओके, तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या गिवन है? ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी यहाँ रख दिया स्टार सी, स्टार सी। अब बेटा देखो, ए अपॉन बी को मान लेते हैं के, क्या मान लेते हैं? के। तो ये क्या हो गया? के स्टार सी। अभी के स्टार सी मान लिया, तो फिर जब ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी है तो के स्टार सी क्या हो जाएगा? के स्टार सी हो जाएगा के अपॉन सी, के अपॉन सी। बेटा के की क्या वैल्यू है? ए अपॉन बी रख दो, ए अपॉन बी, और ये मेन अपॉन अपॉन सी, सही है बेटा, ए अपॉन बी। अब यहाँ से कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए बेटा, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, आगे फिर आप अपने आप कर लोगे। देखो बेटा, हमारा मेन अपॉन कौन सा है? हमारा मेन अपॉन है के बाद, के की वैल्यू रखने के बाद ए अपॉन बी। तो ये अपॉन, ये है हमारा मेन अपॉन, ये जो मैंने डार्क किया है, इससे एक अपॉन तो ऊपर है फ्रैक्शन, एक नीचे है। तो बेटा इनको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता भी होगा लेकिन मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। तो बेटा कैसे करते हैं, देखो ये देखो, एक फ्रैक्शन ऊपर, इसके एक फ्रैक्शन नीचे और बना लेते हैं। अभी ये तो सी है तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा? जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है। एक फ्रैक्शन यहाँ पे आई और एक फ्रैक्शन यहाँ पे आई। तो बेटा मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा रूल बताता हूँ, एक फ्रैक्शन जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन डिवाइड करती है, देखो ये मेन अपॉन ये होगा, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन डिवाइड करती है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन डिवाइड करती है। तो बेटा जो सबसे टॉप मोस्ट है यहाँ पे, सबसे जो टॉप मोस्ट है मींस ऊपर वाले का न्यूमरेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ए की मल्टीप्लाई डी से, ए की मल्टीप्लाई डी से, और बी की मल्टीप्लाई सी से, ये याद रखना है आपको, सही है, ये रूल होता है। ए की मल्टीप्लाई डी से और बी की मल्टीप्लाई सी से, ए मल्टीप्लाई डी, ऊपर और नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाकी बचे दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल है ना, कितना ईजी, बी इंटू सी। तो क्या आ गया बेटा? ए डी अपॉन बी सी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इजी है। ओके, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चों को इनमें प्रॉब्लम आती रहती है, मैंने अक्सर देखा है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, आज के बाद कभी नहीं भूलना ऐसा, जब भी फ्रैक्शन ऐसे होता है फ्रैक्शन बना लो आप, और फ्रैक्शन का ये तरीका होता है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो बेटा देखो, हमें किसको करना है? ए को और वन को, और बी और सी को। सो ए इंटू वन अपॉन बी इंटू सी, तो हमारा आंसर क्या है? ए अपॉन बी सी, ए अपॉन बी सी। ये क्या आई है बेटा? हमारी लेफ्ट हैंड साइड, क्या आई है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है? ए अपॉन बी सी, ए अपॉन बी सी। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो बेटा ये समझ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ए अपॉन बी स्टार सी, ए स्टार बी की वैल्यू क्या थी? ए अपॉन बी, इसको के मान लिया के स्टार सी, और फिर यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी और ए अपॉन बी सी आ गया हमारा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेने पर बेटा, जब हमने राइट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड क्या होती है? ए स्टार, अब लास्ट के टू, लास्ट के टू, लास्ट के टू, तो बेटा ए स्टार, ए स्टार बेटा, बी स्टार सी की वैल्यू क्या आएगी? जब ए स्टार बी की वैल्यू ए अपॉन बी है तो बी स्टार सी की बी अपॉन सी, ठीक है बेटा, बी अपॉन सी, बी अपॉन सी को मान लो आप पी, मान लो लेट पी इक्वल बी अपॉन सी।
तो बेटा इसको पी मान लिया, ए स्टार पी की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन पी। अभी पी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ए अपॉन हमने पी की वैल्यू क्या मानी थी, बी अपॉन सी। देखो बेटा अब यहाँ देखो, ये एक फ्रैक्शन है, मेन अपॉन कौन सा है, ये वाला है मेन अपॉन, तो इसके नीचे की फ्रैक्शन तो है, इसके ऊपर की हम बना लेंगे, तो क्या बन जाएगी, ए अपॉन वन अपॉन बी अपॉन सी। फिर आप बेटा डायरेक्ट सीख जाओगे, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट कर लोगे आप, सही है ना। ये बन गया, मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, इसकी मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। सो बेटा डायरेक्ट लिखें ए सी अपॉन बी, ए सी अपॉन बी। तो बेटा जी राइट हैंड साइड क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है ए सी अपॉन बी, ए सी अपॉन बी। बेटा यहाँ पे देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए अपॉन बी सी, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ए अपॉन बी सी, ए अपॉन बी सी, और राइट हैंड साइड है ए सी अपॉन बी। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या पता चलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, इसलिए स्टार द्वि चर संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। पालन नहीं करती है, सही है बेटा, फाइन। तो हमें यहां से क्या पता चला बेटा, फाइनल आंसर, हमें फाइनल आंसर क्या पता चला कि ए स्टार बी इक्वल, ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी एन टू एन के लिए, तो बेटा इसके लिए पूछ रहा था, स्टार का औचित्य नहीं है, ओके, क्रम विनिमय का पालन, स्टार क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। ठीक है बेटा, पूरा जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे एक समरी बना दी, जिसके जिससे एग्जामिनर का ध्यान यहीं पे जाएगा और वो समझ जाएगा कि आपने क्वेश्चन अच्छे से किया है, प्रॉपर यहाँ पे सारे आंसर लिखे हैं, और साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। नहीं करती है, ठीक है बेटा, तो यही तो हमने सोल्व किया था, सारे के सारे लिख दिए यहाँ पे, दिस इज योर आंसर, सिंपल। ठीक है बेटा, ओके, तो ये समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से, एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन ले लेता हूँ इस क्वेश्चन का। तो बेटा यहाँ पे तीन क्वेश्चन बनाए हुए, ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी एन टू एन के लिए, स्टार का औचित्य बताओ, क्रम विनिमय की जांच करो और साहचर्य की जांच करो। स्टार का औचित्य कैसे बताते हैं, ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी, तो बेटा नेचुरल टू नेचुरल पूछ रहा है, ए भी नेचुरल होगा बी भी नेचुरल होगा, तो क्या ए अपॉन बी भी नेचुरल होगा, नहीं, ए अपॉन बी तो फ्रैक्शन होगा, तो औचित्य नहीं होगा। क्रम विनिमय की जांच के लिए आप जानते हो, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया ए अपॉन बी आया, राइट हैंड साइड लिया बी अपॉन ए आया, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगी। साहचर्य की जांच के लिए आपको पता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, फर्स्ट टू में ब्रैकेट लास्ट टू में ब्रैकेट, ठीक है बेटा, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया और ये भी इक्वल नहीं आए, इसका मतलब साहचर्य भी पालन नहीं करती है, साहचर्य भी पालन नहीं करती है। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्रम विनिमय, एंड साहचर्य की जांच कीजिए, तो बेटा करते हैं जांच, सबसे पहले क्रम विनिमय की जांच, बेटा क्रम विनिमय के लिए क्या पता है, क्रम विनिमय के लिए वी नो दैट ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, हमें ये पता है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो बेटा क्या है, ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अभी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, बी स्टार ए। जब ए स्टार बी इक्वल क्या है, ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्टार ए क्या होगा, बी स्टार ए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो होगा बेटा। क्या इसको ये नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और राइट हैंड साइड भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसलिए स्टार द्विचर्षण क्रिया, स्टार द्विचर्षण क्रिया क्रम विनिमय, क्रम विनिमय की पालना करती है। ठीक है बेटा, फाइन। तो क्रम विनिमय क्लियर हो गया। अब आते हैं साहचर्य की जांच। तो बेटा सबसे सेकंड था इस पे साहचर्य की जांच, साहचर्य की जांच। साहचर्य के लिए आपको क्या पता है, साहचर्य के लिए आपको पता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी फर्स्ट टू ब्रैकेट लास्ट टू ब्रैकेट, ये पता है आपको साहचर्य के लिए। तो बेटा यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ए स्टार बी स्टार सी, तो बेटा ए स्टार बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए स्टार बी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। तो बेटा यहाँ पे देखो, हमें तो ए स्टार बी की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्या लेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें तीन तीन टर्म आते हैं, तो इसको क्या लेट कर लेंगे, इसको के लेट कर लेंगे। तो अभी क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया के स्टार सी। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ये हुआ बेटा आपका के स्टार सी, के स्टार सी। तो बेटा ए स्टार बी की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो के स्टार सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अब हम के की वैल्यू पुट करेंगे, बेटा के की वैल्यू क्या थी, इसको के माना था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को के माना था, तो यहाँ पे के की वैल्यू रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आगे के की वैल्यू और इसका स्क्वायर, क्योंकि के का स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर। तो बेटा ए ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारा बेटा क्या आया, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या आई बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आई। ओके, इक्वेशन वन मान सकते हो इसको, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड लेंगे अब और देखते हैं इक्वल आती है कि नहीं। तो बेटा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा ए स्टार बी स्टार सी। अब पहले बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, जब ए स्टार बी इक्वल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्टार सी क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, तो अब किस में, अब इसमें यूज करेंगे तो, लेकिन ये तो बेटा इसको क्या मान लेंगे, आपको साहचर्य का पता है, बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, इसको उसको के माना था, इसको पी मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसको क्या मानेंगे, पी, इसको पी मान लेंगे, पी। ठीक है बेटा, इसको पी मान लेंगे। तो अभी क्या होगा, राइट हैंड साइड में ए स्टार पी, बेटा ए स्टार पी क्या होगा, ए स्टार पी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कैसे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ए स्टार बी पता है, मुझे ए स्टार बी पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं वहीं से नोट करके लिख रहा हूँ कि अगर b की जगह p आ गया तो ये हो जाएगा। अब बेटा p की वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस p की वैल्यू, p की वैल्यू हमने p किसको माना था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, तो p की वैल्यू रखते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, ये तो p की वैल्यू, अब इसका भी स्क्वायर तो पी स्क्वायर। तो बेटा अभी फिर से फॉर्मूला खोलेंगे, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है बेटा, सो ए स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर प्लस सी की पावर फोर प्लस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन सेकंड। और ये क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो है राइट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस बी की फोर प्लस सी की फोर प्लस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए की फोर प्लस बी की फोर प्लस सी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड. इसका मतलब दैट मीन्स इसलिए स्टार द्विचर संक्रिया, स्टार द्विचर संक्रिया साहचर्य साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है. रटना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है बेटा. पालन नहीं करती है या फिर पालना नहीं करती है, कुछ भी लिखो, ठीक है. बस आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए. तो बेटा साहचर्य नियम का देखो, क्रम क्रम विनिमय नहीं, साहचर्य नहीं, सिंपल, ठीक है बेटा. आप अच्छे से लिख लेना, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है. आप अच्छे से लिखना, वो आपको बोल रहा हूँ मैं साथ साथ, ठीक है बेटा जी. आई होप क्लियर हो गया. हो गया तो बेटा अभी तक हमने तीन तरीके देखे. एक तो स्टार का औचित्य याद करना, क्रम विनिमय की जांच और साहचर्य की जांच. तो आज हम स्टार्ट करेंगे तरीका फोर. तो बेटा फर्स्ट तरीका जो स्टार का औचित्य है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ना है उसको, अच्छे से समझना है, क्योंकि उसी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, हमें बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है बेटा. क्रम विनिमय और साहचर्य इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए. तो अब हम तरीका नंबर फोर देखते हैं. तरीका नंबर फोर क्या बोलता है? तरीका नंबर फोर बेटा, तरीका नंबर फोर बोलता है स्टार के लिए तत्समक अवयव ज्ञात करना सीखें. तत्समक अवयव ज्ञात करना सीखें, ज्ञात करना सीखें. तो बेटा ये तत्समक अवयव ज्ञात करना सिखाएगा, जैसे साहचर्य बताया था, क्रम विनिमय बताया था, इसी तरह से तत्समक अवयव निकालना सीखेंगे स्टार के लिए. जो द्विचरी संक्रिया दी होगी हमें स्टार, उसके लिए तत्समक अवयव ज्ञात करना सीखेंगे. अब बेटा तत्समक अवयव ये एक नया वर्ड है. तत्समक अवयव कोई नया वर्ड नहीं है. मैंने आपको फलन में बताया था, तत्समक फलन मीन्स हम जो x की वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू हमें y की प्राप्त होगी, तो क्या होगा? तत्समक होगा. तत्समक का मतलब एज इट इज, सेम टू सेम, सेम टू सेम, ठीक है बेटा. तो तत्समक का मतलब सेम टू सेम. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये a है, a में मैं क्या ऐड करूं कि इसमें ये सेम टू सेम आए. ए में मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि ये सेम टू सेम आए. तो ए में क्या ऐड करूं कि बिल्कुल सेम टू सेम मुझे प्राप्त हो, ए प्राप्त हो. या फिर ए में मैं क्या माइनस करूं ए से, ए में क्या माइनस करूं कि मुझे सेम टू सेम ए प्राप्त हो. क्या प्राप्त हो? ए. तो बेटा ए में अगर जीरो ऐड करेंगे तो ए मिल जाएगा, ए से अगर जीरो माइनस करेंगे तो ए मिल जाएगा. तो बेटा ये जो जीरो है ना, यही क्या है? तत्समक अवयव है. क्या है? तत्समक अवयव. तो मैंने तो अभी आपको तत्समक अवयव के बारे में बताया कि ये तत्समक अवयव होता क्या है. तत्समक अवयव का मतलब जिससे जो क्वेश्चन में है रिजल्ट भी सेम टू सेम आए. अगर ए में हम कुछ प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो ए ही आएगा. तो वो जो हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं उसको बोलेंगे तत्समक अवयव. आई होप तत्समक अवयव आपको क्लियर हो गया होगा. तो बेटा वापस से आते हैं हम अपनी द्विचर संक्रिया पे और उसको देखते हैं कि तत्समक क्या होता है यहाँ पे, इसके लिए तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है बेटा. तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक माउंटेन ड्यू की. तो चलिए बेटा माउंटेन ड्यू उठाते हैं और सीखते हैं. ओके चलिए बेटा. सो आपके लिए पहली माउंटेन ड्यू है ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन टू. ये आपका दिया हुआ है यदि संभव हो तो स्टार के लिए तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए. तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए.
ओके बेटा, तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा हमें ये दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन टू। यदि संभव हो तो स्टार के लिए, द्विचर संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। करते हैं, तत्समक अवयव ज्ञात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट देखना बेटा, आप एक क्वेश्चन का फॉर्मेट देखोगे तो बहुत ईजिली समझ जाओगे। ठीक, चलिए माना स्टार के लिए तत्समक अवयव के है, तत्समक अवयव के है। तो बेटा हम तत्समक अवयव ज्ञात कर रहे हैं, हमने मान लिया कि स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या है, के है। तो मैंने क्या बताया था, तत्समक अवयव वो होता है जिस पे हम किसी कोई भी द्विचर संक्रिया कराएं उसका मान वही आएगा। जैसे ए स्टार के कुछ भी हो, कुछ भी हो तो हम जिसके साथ करा रहे हैं वही वैल्यू मिलेगी हमें, क्या मिलेगी, ए मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपको भी बताया था, एक में जीरो ऐड करेंगे, ये जीरो तत्समक अवयव, तो क्या मिलेगा, जीरो। तो ए के साथ कोई सी भी संक्रिया कराओ तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो हमने यहाँ पे तत्समक अवयव क्या मान लिया, ए, तो भी हमें ए मिल रहा है। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको बेटा, ठीक है, क्लियर। तो ए स्टार के क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि के क्या है, तत्समक अवयव है। के क्या है, तत्समक अवयव। अब बेटा ए स्टार के इक्वल क्या आ गया, ए आ गया। तो ए स्टार के ए आ गया है। अब बेटा ए स्टार के की वैल्यू क्या दे रखी है, ए स्टार बी क्या है, ए बी बाई टू। ए स्टार बी क्या है, ए बी बाई टू। तो ए स्टार के क्या होगा, ए के बाई टू इक्वल ए। ये तो तत्समक अवयव से ए आना था, ए कट हो गया, के इक्वल टू। के की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई है। के की वैल्यू टू आ गई है, समझ आया बेटा, फाइन, ओके। के की वैल्यू टू आ गई है, ओके। तो बेटा तत्समक अवयव के की वैल्यू क्या आई है, टू आई है, ओके। तो चलिए बेटा इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसकी हेल्प से ही आपको तत्समक अवयव हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। क्या हुआ बेटा, एक बार आप मार्केट गए और स्टेशनरी की शॉप पे गए। कहाँ पे गए, स्टेशनरी की शॉप पे गए आप, ओके, स्टेशनरी की शॉप पे गए, फाइन। स्टेशनरी की शॉप पे गए और ये काउंटर है, यहाँ पे आप खड़े हो, और आपने वहाँ से एक अपनी मैथ्स की बुक ली, एनसीईआरटी वाली बुक ली, ठीक है बेटा, काफ़ी बड़ी दुकान है, ठीक। तो यहाँ पे आप खड़े हो और ऐसे लाइन लग रही है, लाइन लगी हुई है, और आपका नंबर कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक, आपका नंबर यहाँ पे है, ओके बेटा। ये शॉप है, ये शॉप है इतनी बड़ी, क्लियर, ये शॉप है और आपका नंबर यहाँ पे है, ये आप हो, यू। आप शॉप में जाते हो, बहुत देर के बाद नंबर आता है, और ये बहुत बड़ी शॉप है। तो बेटा इसमें क्या है, ये दो काउंटर लगे हैं, ये तो पहला वाला काउंटर और ये सेकंड वाला काउंटर। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ये लेते हो, बुक लेते हो अपनी, ठीक है, शॉप से बुक लेते हो, और बुक लेने के बाद भीड़ हो रही होती है, आप बुक लेने के बाद काउंटर नंबर वन पे जाते हो, तो यहाँ पे भीड़ हो रही होती है, तो आपको पैसे देने हैं, पेमेंट करना है, पेमेंट करोगे तभी तो बुक मिलेगी, सही है। शॉप से तो आपने देख ली वो बुक कि मुझे ये वाली बुक लेनी है। तो बेटा क्या हुआ, आप यहाँ पेमेंट करने जाओगे, तो जब पेमेंट करने गए आप ऐसे 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 पहुँचे यहाँ तक, ठीक है। तो आपने पूछा पेमेंट करने से पहले, भैया ये बुक कितने की है, ये बुक कितने की है, उसने बताया 90 की है। कितने की है, 90 की है। तभी क्या हुआ बेटा, दो लोग, आप पेमेंट करने ही वाले थे, दो लोग और आपके बीच में आ गए, अचानक से लाइन में अंदर से घुस गए, ठीक है, गुस्सा तो आएगा डेफिनेटली, मेरा नंबर आने वाला, दो लोग अचानक से आ गए, तो आपको पता चल गया कि ये बुक कितने की है, 90 की है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे बस एक ही ग्राहक था, यहाँ पे एक ही कस्टमर था, लेकिन यहाँ पे आपसे पहले तीन कस्टमर थे। आपने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं, टाइम बचाते हैं और सेकंड काउंटर पे चलते हैं। अब आप सेकंड काउंटर पे आए बुक के, वहाँ पे एक ही कस्टमर खड़ा था, ठीक है। तो अभी जब आपका नंबर आया तो
आपने पूछा कि सर इस बुक के लिए कितना पेमेंट करना है, उसने बोला 60 रुपीज़ पेमेंट करना है। कितना करना है? 60 रुपीज़ पेमेंट करना है। बेटा दिमाग में कुछ हलचल हुई? सेम बुक, एक ही शॉप है, ये काउंटर नंबर 1 है, ये काउंटर नंबर 2 है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 90 रुपीज़ पेमेंट करना है। तो आपने यहाँ पे तो पेमेंट कर नहीं पाए, बीच में दो लोग आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब आपका नंबर आया और उसने बोला 60 रुपीज़ पेमेंट करना है, सिंपल। क्या हुआ बेटा? मतलब कुछ मन में हलचल हुई, ये तो 90 बता रहा है और ये 60 बता रहा है। एक ही शॉप है, एक ही शॉप में एक बुक 90, एक काउंटर पे 90 की है और एक काउंटर पे 60 की है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन हो सकता है इसका? तो आपके माइंड में डाउट आएगा, आपके माइंड में डाउट आएगा कि ये चल क्या रहा है। एक बुक है, सेम बुक है, और एक शॉप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काउंटर है, एक बुक के ही, एक शॉप के ही काउंटर है, और उस पर एक 90 की बोल रहा है और एक 60 की बोल रहा है। तो क्या करोगे अब? कुछ समझदार बच्चे तो ऐसे होंगे कि ऐसा करो, यहाँ तो 90 की बोल रहा है, यहाँ 60 के, यहाँ बोल के और निकल जाओ। कुछ तो ऐसे होंगे, सही है ना? और कुछ क्या होगा कि यहाँ पे 90 की है, ये 60 की, इसका मतलब ये बुक का रेट सही नहीं बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है, क्या पता ये 20 रुपीज़ की मिल जाए। ऐसा करो, बुक छोड़ के निकल जाओ, कहीं और से लेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन एक जो मेन समझने वाली बात है, मन में कोई डाउट होगा, एक ही शॉप के अंदर एक 90 की बोल रहा है, एक 60 की बोल रहा है, तो मन में कुछ डाउट होगा, सही है ना बेटा? क्लियर? सो डाउट क्लियर करने के लिए, मीन्स बुक का तो एक ही प्राइस होना चाहिए, चाहे काउंटर 2 की बजाय 20 हो, एक शॉप के अंदर एक ही प्राइस होना चाहिए बुक का, लेकिन वो 90 बोल रहा है, वो 60 बोल रहा है, तो बेटा डाउट होगा आपको। कहने का मतलब आप सोचोगे ये तो अलग अलग प्राइस बता रहे हैं, इसका मतलब ये दुकान ही सही नहीं है, कहीं और से लेंगे, यहाँ से लेते ही नहीं है, कहीं और से लेंगे। ठीक है बेटा जी, तो एक अच्छा बच्चा जो होगा उसकी तो यही थॉट्स होगी कि ये दुकान का सिस्टम ही सही नहीं है, ये तो प्राइस के साथ घपला कर रहे हैं, तो कहीं और से लेंगे। ठीक है बेटा जी, क्लियर? सो स्टोरी क्लियर हुई? कभी कभी ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं और उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो स्टोरी सो मैंने आपको कुछ सिखाया कि मन में डाउट हुआ, तो बेटा जो डाउट है उसको मैथ्स पे लेके आते हैं, उसको लेके आते हैं तत्समक अवयव पे। बेटा हमने ए स्टार के से किसकी वैल्यू निकाली है? एक ही वैल्यू, ए स्टार के से तत्समक अवयव की वैल्यू निकाल दी है, के की वैल्यू निकाल दी है। जब ए स्टार के से क्या आई है वैल्यू? 2 आई है। तो फिर बेटा के स्टार ए, अगर हम इसको चेंज कर दें, काउंटर चेंज कर दें, अब हम इसका काउंटर चेंज करेंगे के स्टार ए, तो बेटा के स्टार ए से वैल्यू निकाल के देखते हैं, अगर सेम आई, अगर उसकी वैल्यू सेम आई तो दुकान ठीक है। अगर दुकान ऐसे कि एक की वैल्यू 90 आ रही है, एक की 60 आ रही है, तो दुकान सही नहीं है। तो बेटा सेम आनी चाहिए ना, अगर 90 है तो 90 आनी चाहिए ना। तो हम एक काउंटर तो ट्राई कर लिया ए स्टार के वाला, अब दूसरा काउंटर ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। चलो दूसरा काउंटर ट्राई करते हैं, तो अब क्या वैल्यू निकालते हैं? के स्टार ए, अब इस बार लेते हैं के स्टार ए। तो बेटा के स्टार ए के तत्समक अवयव है, तो क्या आएगा? ए के साथ संक्रिया कर रहा ए आएगा, तो के स्टार ए की वैल्यू क्या क्या होगी? के ए बाई 2। तो यहाँ पे क्या आया? के इक्वल 2। तो बेटा हमने इस तरीके से भी निकाल लिया, यहाँ से भी 2 आया और यहाँ से भी 2 आया, मतलब दुकान सही है। इसका मतलब, इसलिए अतः स्टार के लिए तत्समक अवयव, स्टार के लिए तत्समक अवयव संभव है तथा इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, सही है बेटा? इसका मान के इक्वल 2 है, के इक्वल 2 है। आई होप समझ आया। तो बेटा हमें कैसे चेक करना है? हमें ए स्टार के भी चेक करना है और दूसरे काउंटर पे भी जाना है, के स्टार ए से चेक करना है। स्टोरी एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर एक ही शॉप में दो काउंटर हैं, आप बुक लेने गए, एक काउंटर बताता है 90 रुपीज़, दूसरा बताता है 60 रुपीज़, मन में डाउट होगा कि एक शॉप में दो काउंटर हैं, दोनों ही अलग अलग रेट बता रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तत्समक मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, तो बेटा हमें तो सेम टू सेम होगा, अगर दोनों से सेम आएगा तो तत्समक होगा और दोनों से डिफरेंट आएगा तो तत्समक नहीं होगा। तो इससे तो के टी 2 आया और इससे के बी 2 आया, दैट मीन्स तत्समक अवयव संभव है। जब दोनों से सेम वैल्यू आ रही है तो तत्समक अवयव संभव है और उसका भी मान कितना है? 2 है।
उसका मान कितना है? 2 है। तो बेटा ये आपने पी एक माउंटेन ड्यू और पिलाते हैं आपको नेक्स्ट माउंटेन ड्यू। चलिए एक और ट्राई करते हैं, एक और अच्छे से समझते हैं। अब आप स्टोरी भी समझ गए हो और तत्समक अवयव भी समझ गए हो, दोनों काउंटर चेक करने हैं, काउंटर नंबर 1 और काउंटर नंबर 2। ओके, ए स्टार के और के स्टार ए, अगर दोनों से सेम वैल्यू आती है तो ही तत्समक अवयव संभव होगा, नहीं तो तत्समक अवयव संभव ही नहीं होगा। तो निकालोगे कैसे जब संभव ही नहीं होगा? सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए। सो आपकी नेक्स्ट माउंटेन ड्यू है ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी है, तो है यदि संभव है तो स्टार के लिए तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। क्लियर? चलो बेटा अब शुरू करते हैं जल्दी से। माना स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या है? के है। माना स्टार के लिए तत्समक अवयव के है, तत्समक अवयव के है। तो बेटा के है तो कुछ नहीं है, ए स्टार के देखेंगे। ए स्टार के क्या होगा? ए स्टार के ए होगा, क्योंकि तत्समक अवयव से तो कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। ए स्टार के, तो ए स्टार के की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? ए माइनस के क्या होगा? ए से ए फिनिश, के इक्वल 0। के की वैल्यू क्या आई है? 0। के की वैल्यू यहाँ पे है 0। तो बेटा एक काउंटर तो ले लिया ए स्टार के, अब दूसरा काउंटर लेंगे के स्टार ए। के स्टार ए भी क्या होगा? तत्समक अवयव तो वैल्यू चेंज ही नहीं करता। तो ए स्टार बी क्या है? ए माइनस बी। तो के स्टार ए क्या हो जाएगा? के माइनस ए। तो ये क्या आ गया? के इक्वल 2a। क्या दोनों काउंटर पे वैल्यू सेम है? दोनों काउंटर पे वैल्यू सेम है, इस पे तो 0 है, इस पे 2a है। तो इसका मतलब दोनों पे अलग अलग है, इसलिए स्टार के लिए तत्समक अवयव तत्समक अवयव ज्ञात करना संभव नहीं है, तत्समक अवयव ज्ञात करना संभव नहीं है, तत्समक अवयव ज्ञात करना संभव नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा बेटा जी। क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको दो माउंटेन ड्यू पिलाई और उसकी हेल्प से तत्समक अवयव ज्ञात करना सीख गए। ठीक है बेटा, अगर दोनों काउंटर पर वैल्यू सेम आएगी तभी तत्समक अवयव होगा, अगर सेम नहीं आएगी तो ज्ञात ही नहीं कर सकते क्योंकि संभव ही नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा, ओके, सो तरीका नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड, तत्समक अवयव। अब कोई एक नया तरीका पढ़ते हैं, एक नया मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है तरीका नंबर 5। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे द्विचर संक्रिया से, इसके तरीका नंबर 5 है बेटा। अभी हमने क्या ज्ञात किया था? तत्समक अवयव। अब हम ज्ञात करेंगे प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। बेटा प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के जो है ना, ये 3 स्टेप्स हैं, याद रखेंगे। सबसे पहले अगर प्रतिलोम अवयव आ जाएगा, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम ए स्टार बी का तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? तत्समक अवयव। अगर प्रतिलोम का क्वेश्चन आएगा तो तत्समक अवयव तो ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका पार्ट है। तो हम ए स्टार बी का क्या ज्ञात करेंगे? तत्समक अवयव। ठीक है बेटा, फिर हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव की। बेटा प्रतिलोम अवयव में अगर ए का मान क्या होगा? ए का मान, प्रतिलोम अवयव में हम ए का मान ज्ञात करेंगे तो ए स्टार बी है ना, तो ए का मान क्या करेंगे? ए का मान होगा बी का प्रतिलोम। ए का मान क्या होगा यहाँ पे? बी का प्रतिलोम। ए का मान क्या होगा? बी का प्रतिलोम होगा। और बी का मान क्या होगा? समझ गए होंगे, ए का मान अगर बी का प्रतिलोम है तो बी का मान क्या होगा? ए का प्रतिलोम होगा। सिंपल, अभी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा जब हम एक माउंटेन ड्यू पियेंगे अच्छी सी चिल्ड। ठीक है बेटा, ए स्टार बी, सबसे पहले तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे ए स्टार बी का, और
बी का प्रतिलोम क्या होगा, बी का प्रतिलोम ए का मान होगा और ए का प्रतिलोम बी का मान होगा। तो हमें यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स पे चलना है और प्रतिलोम अवयव हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है बेटा। फाइन, प्रतिलोम अवयव में तत्समक अवयव ज्ञात करना है और ए का मान और बी का मान निकालना है। ए का मान होगा बी का प्रतिलोम और बी का मान होगा ए का प्रतिलोम, सही है बेटा, क्लियर। चलिए चलते हैं, एक माउंटेन ड्यू पीते हैं। चलिए बेटा, इट्स फॉर यू। यदि ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन टू है तो स्टार के लिए प्रतिलोम अवयव ज्ञात करो। ठीक है बेटा, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा जी, प्रतिलोम अवयव के लिए पहले तत्समक अवयव निकालना है और फिर ए का मान और बी का मान निकालना है। तो पहले तत्समक अवयव तो निकालेंगे। अब ये मत कहना सर तत्समक अवयव क्यों निकाल रहे हो, बेटा ये इसका पार्ट है। प्रतिलोम अवयव तभी निकाल पाएंगे जब हम तत्समक अवयव निकालेंगे। तो माना स्टार के लिए तत्समक अवयव के है, तो बेटा तत्समक अवयव तो निकालना आता है आपको। चलिए जल्दी से करते हैं। ए स्टार के इक्वल ए, तो ए स्टार के, ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए बी बाई टू, तो ए स्टार के क्या हो जाएगा, ए के बाई टू। ए के की वैल्यू क्या आ गई, टू, वेरी गुड, के की वैल्यू टू आ गई है। तो बेटा अभी तो एक काउंटर था, ये तो फर्स्ट काउंटर था, अब सेकेंड काउंटर पर भी तो जाएंगे। के स्टार ए, के स्टार ए की वैल्यू क्या आएगी, के ए, तो ये क्या है, के ए बाई टू, ए से ए फिनिश, के की वैल्यू क्या आ गई, टू। इसका मतलब के की तो वैल्यू आ गई, इसका मतलब तत्समक अवयव तो निकल जाएगा क्योंकि दोनों काउंटर पे वैल्यू सेम है। तो बेटा तत्समक अवयव क्या होगा, अतः तत्समक अवयव कितना होगा, टू होगा, क्योंकि तत्समक अवयव की वैल्यू क्या आ गई है, टू आ गई है। ओके बेटा, क्लियर, तत्समक अवयव की वैल्यू क्या आ गई है, टू आ गई है। तो चलिए बेटा अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्टार बी, अभी मैंने बताया था ना आपको ए स्टार बी इक्वल तत्समक अवयव, ये इसके पहले तत्समक अवयव निकाला हमने। ए स्टार बी क्या रखेंगे, ए स्टार बी रखेंगे हम तत्समक अवयव के इक्वल, ए स्टार बी। ए अब प्रतिलोम के फंडे लगाएंगे, जो ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल तत्समक अवयव, सही है, तत्समक अवयव। बेटा जी ए स्टार बी की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ए बी बाई टू, क्या दी हुई है, ए बी बाई टू, ये रहा ए बी बाई टू, तो ए स्टार बी ए बी बाई टू रखेंगे, ए बी बाई टू, वेरी गुड। बेटा तत्समक अवयव की वैल्यू क्या आई है, टू रख दो, तो ए बी इक्वल फोर आ गया, ए बी इक्वल फोर। जब ए बी इक्वल फोर आ गया तो बेटा ए का प्रतिलोम, बेटा जी ए का प्रतिलोम होता क्या है, ए का प्रतिलोम क्या होता है, ए का प्रतिलोम होता है बी का मान, बी का मान। तो बेटा बी का मान ज्ञात करेंगे, इससे ए बी इक्वल फोर है तो बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, बी इक्वल फोर अपॉन ए, बी इक्वल फोर अपॉन ए, बी इक्वल फोर अपॉन ए, सही है ना, बी इक्वल फोर अपॉन ए, बी का मान आ गया। तो बेटा ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम क्या है, बी का मान है, तो बी का मान क्या है, फोर अपॉन ए, दैट मीन्स ए का प्रतिलोम क्या है, फोर अपॉन ए। ए का मान क्या होता है, ए का प्रतिलोम क्या होता है, बी का मान, और बी का मान क्या है, फोर अपॉन ए, तो बेटा ए का प्रतिलोम क्या होगा, फोर अपॉन ए, हो गया। अभी हम बी का प्रतिलोम निकालेंगे, तो बेटा बी का प्रतिलोम क्या होता है, अभी हम बी का प्रतिलोम निकालेंगे, बी का प्रतिलोम क्या होता है, ए का मान, अभी हम ए का मान निकालेंगे उससे, ए बी अपॉन, ए बी इक्वल फोर है, ए बी इक्वल फोर है, ए बी इक्वल फोर है, तो यहाँ से ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा फोर अपॉन बी, क्या होगा, फोर अपॉन बी, ठीक है बेटा, क्लियर, ए का मान क्या होगा, फोर अपॉन बी, ठीक।
ए का मान क्या होगा, 4 अपॉन बी। तो सिंपल, 4 अपॉन बी, तो बी का प्रतिलोम क्या आ गया, 4 अपॉन बी। बी का प्रतिलोम 4 अपॉन बी, समझ आया बेटा। तो सिंपल, हमारे पास आंसर आ गए हैं, ए का प्रतिलोम और बी का प्रतिलोम। ओके, सो यही तो पूछ रहा था, ए का प्रतिलोम और बी का प्रतिलोम। ए का प्रतिलोम आया है 4 अपॉन ए और बी का प्रतिलोम आया है 4 अपॉन बी। ये क्या है बेटा, ये है ए का प्रतिलोम का मतलब बी का मान, और बी का प्रतिलोम का मतलब ए का मान। सही है बेटा, फाइन। तो ये हमारे आंसर्स आ गए हैं, सिंपल, यही पूछा था उसने। ओके बेटा जी, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, एक और माउंटेन ड्यू पीते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। प्रतिलोम अवयव में एक प्रैक्टिस करते हैं, और ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी है तो स्टार के लिए प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। स्टार के लिए प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। पता है आपको, सबसे पहले प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी इक्वल तत्समक अवयव रखते हैं, और ए का प्रतिलोम बी का मान, बी का प्रतिलोम ए का मान। सिंपल, यही तो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें तत्समक अवयव पता होना चाहिए। करते हैं बेटा, माना स्टार के लिए तत्समक अवयव के है, तो हम पहले तत्समक अवयव की वैल्यू निकालेंगे। तत्समक अवयव के है तो बेटा तत्समक अवयव क्या होगा, ए स्टार के इक्वल ए, तो ए स्टार के इक्वल ए, यही तो तत्समक अवयव है। तो ए स्टार के, ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए प्लस बी, तो ए स्टार के क्या होगा, ए प्लस के इक्वल ए। तो के की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 0। के की वैल्यू क्या आई, 0। तो बेटा ये तो फर्स्ट काउंटर पे चेक किया, ये तो फर्स्ट पे चेक किया, आप सेकंड पे भी तो करेंगे। तो अब क्या करेंगे, के स्टार ए क्या होगा, ये होगा, तो के स्टार ए हुआ। सो बेटा ए स्टार के ए प्लस के, तो के स्टार ए क्या होगा, के प्लस ए इक्वल ए, 0। के इक्वल 0, यहाँ पे भी 0 आ गई। दैट मीन्स, अतः तत्समक अवयव क्या आ गया, 0। अतः तत्समक अवयव 0 है, 0 है। तो हमें प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, तो बेटा ए स्टार बी इक्वल क्या लिखते हैं, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। और ए स्टार बी क्या दे रखा है हमें, ए प्लस बी, ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए प्लस बी। तो ए स्टार बी, ए प्लस बी इक्वल 0, ये हमें पता है, हमें पता है ए प्लस बी इक्वल 0। तो बेटा एक बात बताओ, ए का प्रतिलोम क्या होता है, ए का प्रतिलोम होता है बी का मान। बेटा जी बी का मान क्या आएगा यहां से, यहां से बी का मान क्या आ जाएगा, बी इक्वल माइनस है, बी इक्वल माइनस है। तो ए का प्रतिलोम क्या हुआ, ए का प्रतिलोम क्या हुआ, माइनस है। अब निकालेंगे बी का प्रतिलोम, बी का प्रतिलोम क्या आएगा, ए का मान, और ए का मान क्या आएगा, ए का मान क्या आ जाएगा, माइनस चला जाएगा इधर, माइनस बी, बी का प्रतिलोम ए का मान। और बेटा बी, ए का मान क्या होगा, जब ए प्लस बी इक्वल 0 है, ए प्लस बी इक्वल 0 है, तो ए का मान क्या होगा, माइनस बी, ए इक्वल माइनस बी। दैट मीन्स ए का प्रतिलोम तो है माइनस है, और बी का प्रतिलोम है माइनस बी। समझ आया बच्चा पार्टी, क्लियर। ए का प्रतिलोम माइनस ए, और बी का प्रतिलोम माइनस बी। ओके बेटा जी, तो ये आपके आंसर्स आ गए हैं, यही प्रतिलोम अवयव करना था आपको। ठीक है बेटा, तो आई होप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आज आपको बताया तरीका थर्ड एंड फोर्थ, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तो बेटा जी एक बार खुद
इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं चैप्टर का जो आज हमने सीखा। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा, सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जो हमने लास्ट कुछ पढ़े थे। स्टार का औचित्य कैसे ज्ञात करते हैं, क्रम विनिमय की जांच कैसे करते हैं, साचर्य की जांच कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन किया नेचुरल नेचुरल, लेकिन ये नेचुरल नहीं होगा। क्रम विनिमय का तो पता है आपको पुट करके, और अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो बिल्कुल सही होगा, और नहीं है तो वो पालन नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया तरीका नंबर 4, तत्समक अवयव। तत्समक क्या होता है? जो बेटा चेंज नहीं करेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, वो तत्समक अवयव होगा। तो मैंने आपको माउंटेन ड्यू की हेल्प से ये तत्समक अवयव क्लियर कराया। कैसे चेक करते हैं? दोनों काउंटर पे चेक करेंगे, ए स्टार के भी चेक करेंगे और के स्टार ए भी चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ही तत्समक अवयव होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो तत्समक अवयव नहीं होगा। वो तो दुकान ही फ्रॉड होगी, एक 90 बोल रहा है, एक 60 बोल रहा है, वो दुकान ही फ्रॉड होगी। सही है बेटा, तो दोनों सेम आने चाहिए। क्लियर? फिर हमने बात किया प्रतिलोम अवयव पे। बेटा जी प्रतिलोम अवयव में क्या करते हैं? प्रतिलोम अवयव के स्टेप्स, पहले तत्समक अवयव ज्ञात करना है, फिर एक बी का प्रतिलोम क्या होगा, ए का मान, और ए का प्रतिलोम क्या होगा, बी का मान। सिंपल, सीख चुके हो आप बन चुके हो इंटेलिजेंट बच्चे। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। और आपको होमवर्क क्या करना है बेटा? होमवर्क में आप कीजिएगा, आज जितने भी मैंने आपको तरीका बताया है, तरीका नंबर 1 से लेके 5 तक अच्छे से कीजिएगा, ओके। और एक्सरसाइज 1.4 से आप जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो ये कंप्लीट कीजिएगा। अपने आप समझिएगा, आई विल एक्सप्लेन, बट आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा कि आपको कितना समझ आता है। क्योंकि जब हम अपने आप करते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, बहुत आसान लगने लगती हैं, क्योंकि एक बार आप देख चुके होते हैं उनको। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ए हैप्पी डे। Thank you.